देखिए यहाँ क्या है, आ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आ लिखा, उसके बाद क्या है, ल। तो देखिए हमने इसमें लिख दिया ल, ल के बाद क्या हुआ है, उ की मात्रा है, यानी कि जो बाद में मात्रा आ रही है, जिस वर्ण के बाद आ रही है, उस वर्ण के नीचे हम उस मात्रा को लगाएंगे। ल के बाद आ रही है तो हम ल के नीचे लगाएंगे, तो ये हो गया लू। और दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ लू, आलू, समझे। अब देखिए ऐसे इसको देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बा, क्योंकि बा पर आ की मात्रा, इसलिए हम मुंह खोलकर बोल रहे हैं बा, तो हम यहाँ लिख लेंगे बा, है ना। उसके बाद क्या है, ल, तो हमने यहाँ लिख लिया ल। अब ल के बाद क्या है, ऊ की मात्रा, अभी आपको ऊपर भी बताया था, तो देखिए अब इस मात्रा को हम कहाँ लगाएंगे, ल के नीचे, तो ये हो गया लू। और दोनों को मिलाकर पढ़ा तो क्या हो जाएगा, बा लू, बालू, है ना। अब देखिए यहाँ आपका कौन सा वर्ण है, ज, हमने यहाँ लिख लिया ज, ज लिखा। अब देखिए यहाँ ज के ही बाद है उ की मात्रा, यानी कि जी उ की मात्रा है वो किसके नीचे आएगी, ज के नीचे, तो हमने लगाया ज के नीचे उ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, जू। उसके बाद ये क्या है, ता, तो हमने यह ता पर लगाई या की मात्रा, तो अब ये क्या हो गया, जू ता, जूता, है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, का, पहले से ही का लिखा हुआ है, हमने यहाँ लिख लिया का। उसके बाद ज, तो ज लिख लिया। अब देखिए ज के बाद उ की मात्रा है, यानी कि ये मात्रा ये किसके नीचे आएगी, ज के नीचे, तो ये हो जाएगा जू। अब एक साथ पढ़िए, का जू, काजू, है ना। अब देखिए लास्ट है, यहाँ क्या है, भा, तो हमने यहाँ लिख लिया भा। अब उसके बाद ल, तो देखिए ल आ गया। अब देखिए वर्ण के बाद उ की मात्रा, यानी कि ये जिस वर्ण के बाद होती है, उस वर्ण के नीचे हमें उ की मात्रा लगानी है, तो हमने यहाँ ला पर उ की मात्रा लगाई, तो ये हो गया लू। और दोनों को मिलाकर क्या बना, भालू, भालू। समझ आया आपको, वर्ण और उ की मात्रा मिलाकर कैसे लिखते हैं। तो आपको इसी तरह से इसको अपनी नोटबुक में प्रॉपर लाइंस में लिखना है और बार बार पढ़ते हुए अभ्यास करना है, ठीक है। बाय बाय।